हेलो गाइज, यह वीडियो जो इंग्लिश सब्जेक्ट से फर्स्ट एड की तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताऊंगा। अगर अपन स्ट्रेटजी के को लेकर बात करें तो स्ट्रेटजी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आपको कम मटेरियल सेलेक्ट करना है, ऑथेंटिक मटेरियल सेलेक्ट करना है और उसको बार बार रीड करना है। तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगा, जो बुक्स मैंने प्रीफर करी थी तैयारी के ड्यूरिंग, तो वो मैं आपको यहाँ कुछ बुक्स बताऊंगा। सिर्फ आपको यह वीडियो सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स हैं उनके बारे में बताया है। यहाँ कुछ मेरे बारे में दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये ग्रामर के जो ग्रामर वाला पार्ट होता है, यानी 55 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 110 यानी 110 मार्क्स का कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें अपन को जो बुक्स देखनी है वो मैं आपको प्रीफर करना चाहूँगा। इनमें सबसे पहले आपको जिनका बेसिक लेवल कमज़ोर है तो वो सबसे पहले रेन एंड मार्टिन को प्रीफर करें, उसको ढंग से पढ़ें। यहाँ से ग्रामर के टॉपिक को आप कंसाइसली उनको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक आपके बेसिक्स को, जो बेसिक आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने में मजबूती प्रदान करेगी। और कुछ मिस्टेक्स इसमें हैं, लेकिन बाकी जो अपन स्टार्टिंग लेवल पर अगर तैयारी कर रहे हैं ग्रामर के लिए तो ये बुक्स पढ़ना मस्ट है। इसके बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल के लिए आप थॉमसन एंड मार्टिनेज दे सकते हैं। इसमें से टेंसेस और जो टेंसेस ग्रामर वाला पार्ट है, प्रीपोजिशन, टेंसेस एंड फ्रेजल वर्ब्स वगैरह, वो आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर लेवल है वो बहुत अच्छा है। तो इस ये बुक्स भी आपको प्रीफर करना चाहूँगा, ये बुक्स भी आपको रीड करनी है। इसके बाद अपन माइकल स्वान देख सकते हैं, एक डिक्शनरी फॉर्म में है। इसमें से भी आपको सारे जो ग्रामर के टॉपिक हैं वो एक बार रीड करने हैं, क्योंकि कभी कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आरपीएससी उठाने लग गई है। तो इसको भी रीड करना, आप जितने भी ग्रामर्स के टॉपिक हैं वो सारे के सारे इसमें से भी आपको देखना, ये देखना ज़रूरी है। तो ये तीन बुक्स आपको ग्रामर के लिए पढ़नी है, कौन कौन सी, रेन एंड मार्टिन, थॉमसन एंड मार्टिनेज एंड माइकल स्वान। तो ये थ्री बुक्स आपको ग्रामर कवर करवाएंगे, यानी 55 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। वैसे अपन फर्स्ट एड के एग्ज़ाम को देखें तो फर्स्ट एड के एग्ज़ाम में जो ग्रामर का लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट आपका बेसिक्स है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको फिर घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट इसमें आता है लिटरेचर का पार्ट, जो कि यूजी और पीजी का सेक्शन होता है। यूजी में से 55 क्वेश्चंस और जो पीजी सेक्शन के वो 10 क्वेश्चंस होते हैं। इस प्रकार टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं लिटरेचर के। तो लिटरेचर के लिए जो फ़िलहाल मार्केट में चल रही है वो वी के रस्तों की है, एक गाइड के रूप में है। तो यहाँ से आप पोइट्री और एसेज के लिए आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि एक जो हमारी बुक्स है, हम भी एक कंपोज कर रहे हैं फर्स्ट एड के लिए, वो हमारी जल्दी आएगी। और तो जैसे ही अवेलेबल होगी मार्केट में हम आपको बता देंगे। तो पोइट्री और एसेज के लिए आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद ड्रामास एज यू लाइक इट और मैकबेथ हैं सिलेबस में, तो इसके लिए जो मैंने प्रीपेयर किया था वो नरेंद्र सीरीज के लिए थे मैंने। तो आप नरेंद्र सीरीज के ये एज यू लाइक इट और मैकबेथ पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं ये बुक जो मैंने रीड करे थे। जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और ये ओवरऑल कंप्लीट है, मैं जो जैसा कि मैंने रीड किया है। इसके बाद ड्रामास हो गए। उसके बाद नॉवल्स के लिए आप नरेंस या फिर रामा ब्रदर्स, इनमें से कोई भी, जितने भी नॉवल्स हैं, यानी 2 नॉवल्स तो आपके यूजी सेक्शन में दे रखे हैं, पीजी सेक्शन में अनीता देसाई का दे रखा है। तो इसके लिए आप या तो नरेंद्र सीरीज का ले सकते हैं या फिर रामा ब्रदर्स के कोई भी बुक्स, इनमें से कोई एक बुक्स आप ले सकते हैं। जैसे मैंने आर के नारायण लिया है, आर के नारायण का वेंड्रॉप स्वीट्स के आपको इमेजेस दिए हैं, तो ये दोनों बुक्स में से हैं जो रामा ब्रदर्स के हैं और नरेंद्र सीरीज के हैं। तो इनको आप प्रीफर कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को प्रीफर कर सकते हैं। जो मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रीफर करी थी वो नरेंद्र सीरीज की बुक्स प्रीफर करी थी यहाँ से, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज दी गई है वो इजी है और एग्ज़ाम पैटर्न पे है। तो आप इनको रीड करके यहाँ से आप
मीनिंगफुल रिजल्ट पा सकते हैं। इसके बाद आप साइकोलॉजी के लिए जो मैंने रीड करी थी वो लक्की आहूजा मैम की बुक है साइकोलॉजी फर्स्ट एड के लिए, AICTE स्कूल लेक्चर जो मैं आपको पिक्चर में देख रहे हैं ये बुक है। आप सिर्फ एक बुक पढ़ें, लिमिटेड बुक पढ़ें और ये बुक इनफ है साइकोलॉजी के लिए। यहाँ से आप आराम से 25 क्वेश्चंस निकाल सकते हैं और बाकी 30 क्वेश्चंस पढ़ने के लिए तो हम कोई सी भी बुक पढ़ लें तो 30 क्वेश्चंस तो नहीं निकल पाएंगे, बट आप 25 क्वेश्चंस ईजिली निकाल सकते हैं अगर आपको इसको ढंग से पढ़ेंगे तो। तो ये आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये बुक्स हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ स्टार्टिंग से। ग्रामर के लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स के लिए रेन एंड मार्टिन पढ़नी है। थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के लिए दो बुक हैं, थॉमसन मार्टिनेट एंड माइकल स्वान, तो इनको भी आपको देखना है अगर आपको अच्छे से रैंक लेके आना है, अच्छे से रिजल्ट आपको पॉजिटिव लेके आना है, तो ये तीन बुक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिटरेचर के लिए ये रस्तोगी तो आपके पास बी के रस्तों की तो लेनी है, पोइट्री और एसेस के लिए फ़िलहाल इसको अपन रिप्लेस करेंगे। मैं अपनी आप हम जो बुक है वो तैयार कर रहे हैं, जल्दी तैयार होगी और आपको बता दिया जाएगा जैसे ही आएगी वो। उसके बाद नरेंद्र सीरीज के ड्रामास वगैरह हैं, ये इजी लैंग्वेज में है, यहाँ से आप विद टेक्स्ट इसको रीड कर सकते हैं। टेक्स्ट पढ़ना है और बाकी मैं स्ट्रेटजी आपको शेयर करता रहूँगा टाइम जैसे ही समय मिलेगा। नॉवेल्स के लिए आप इनमें से कोई भी एक बुक प्रीफर कर सकते हैं और साइकोलॉजी के लिए ये काफ़ी है। और थैंक यू गाइस फॉर दिस, ये शॉर्ट वीडियो है जो कि बुक्स को लेकर है। बुक्स मैंने इसमें कंसाइसली बुक्स लिए हैं, इंपॉर्टेंट बुक लिए हैं, ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। इसमें मैंने रखा है लिमिटेड बुक्स रखी हैं और लिमिटेड बुक्स के साथ आपको बार बार रीड करके आप इस एग्ज़ाम को ईजिली पास कर सकते हैं और एक अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको बार बार पढ़ना है, ज़्यादा बुक्स की तरफ नहीं भागना है। या मैंने अपना थोड़ा सा ये अपने बारे में दे रखा है तो ये आप देख सकते हैं। थैंक यू।